अगर आप जंगल या वाइल्ड लाइफ से थोड़ा सा प्यार करते हैं और फॉरेस्ट एरिया से थोड़ा सा लगाव है तो आप यहाँ पर आएँ, आपको बिल्कुल वही सुकून मिलेगा, बिल्कुल फॉरेस्ट टाइप का लगेगा और फॉरेस्ट ही है पूरा ये, तो बहुत अच्छा लगने वाला है यहाँ पर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आउटसोर्स चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सुधीर और चलिए आइए एक नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। आज कानपुर के जू आए हैं हम लोग और यहीं से थोड़ा सा यहीं पे थोड़ा घूमेंगे और आपको भी घुमाते हैं, तो कंटिन्यू मेरे साथ सफ़र भी बने रहिए। कुछ नया अपडेट देखना है यहाँ पर कि कुछ नया अपडेट आया है कि हम एंटर हो चुके हैं और ये सामने ही नया बोर्ड लगा हुआ है, फिश स्पा मसाज का है। अच्छा अच्छा 80 रुपये जंगल सफारी। बैटरी कार की सुविधा है 210 रुपये, 7 सवारी का पर सवारी 210 रुपये। और यहाँ पर मोटर कार से भी आप एंजॉय ले सकते हैं। ये रास्ता अंदर चिड़ियाघर की तरफ जाता है और यहाँ पर साइकिल की भी सुविधा है, आप साइकिल भी किराए पर ले सकते हैं। ये देखिए कितनी सारी साइकिलें हैं यहाँ पर। और इधर से ये रास्ता एक बाहर के लिए चला गया है ढाल से और इधर से ये चिड़ियाघर के लिए अंदर के लिए गया हुआ। अंदर घुसते ही डक्स आपका स्वागत करती हैं। सबसे पहले ये डक्स मिलेंगे। और थोड़ा सा अंदर बढ़ते ही पूरा आपको मैप मिल जाता है। और इधर बहुत ही अच्छा बच्चों के लिए बना रखा है। ये देखिए लंगूर बंदर बहुत आता हुआ। ये कुछ एडवेंचर टाइप का बच्चों के लिए पार्क एक बनाया है, पूरा फुली एडवेंचर है यहाँ पर। और यहाँ पर आपके बच्चे बहुत ही एंजॉय कर सकते हैं, आप लेकर आएँ। थोड़ा सा पेड़ वेड़ भी है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर बना रखा है, तो बच्चों के लिए एडवेंचर के लिए बहुत ही अच्छी जगह। आपकी धूप बहुत तेज हो रही है। इधर साइड में फूड कॉर्नर भी है। ये देखिए बच्चे एंजॉय करते हुए, तो यहाँ पूरा एडवेंचर टाइप का पूरा बना रखा है। अब यहीं से थोड़ा सा हम लोग आगे निकल रहे हैं, रास्ता देखिए आप। गर्मी की वजह से यहाँ पर सन्नाटा है इस समय, तो हम आपके लिए वीडियो बनाने आ गए हैं कि सन्नाटे में थोड़ा और अच्छा वीडियो बनता है, क्योंकि भीड़ कम होती है तो आराम से वीडियो बन जाता है। देखिए पैरट मिलेंगे किस तरह से पैर हैं पूरे।
देखिए लंगूर बंदर कैसे मैं देखता हूँ। ये देखिए आगे का रास्ता है और वो उधर से आए हम लोग। गर्मी है लेकिन इतनी गर्मी नहीं लग रही है क्योंकि पेड़ हैं इतने सारे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए मोर कितना प्यारा लग रहा है, पूरा पंख फैला रखा है इन्होंने। अभी ये थोड़ी देर पहले इनका डांसिंग प्रोग्राम था और अब देखिए इसमें पूरा ये पक्षी घर है। देखिए पूरा जंगल का लुक, मजे से पानी बढ़िया फैलता हुआ। और ये बाकी सारस आराम फरमाते हुए मजे से। इनका साउंड देखिए सुनिए, इनकी जो आवाज है एक अलग टाइप की है। देखिए कितना प्यारा पिकॉक और उड़ के ये आ गया ऊपर। नेचुरल लुक है बिल्कुल। ये देखिए अपनी खुराक ढूंढता हुआ पानी में। दोस्तों गर्मी बहुत हो रही, अब थोड़ा सा मौसम जो है लू टाइप का है, लेकिन ये है कि पूरा फॉरेस्ट टाइप का जगह है, जंगल है पूरा, तो इतनी दिक्कत नहीं हो रही है। तो आप लोग प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे मेरे इस वीडियो को शेयर करके लोगों को बढ़ाइए। ये टाइगर बाघ बाबू का बाड़ा है, यह है देखो बढ़िया तगड़ा भाई। देखिए बाघ बाबू, ये बाघ बाबू चक्कर लगाते हुए, और ये इस तरफ नहीं आ रहे, उधर ही टहल रहे हैं। और बाघ देखने के बाद अब इधर से आगे की तरफ बढ़ लिए हैं। यहाँ पर ये देखिए कैसे बंदर सो रहे हैं, और इधर से ये एक पुल है लकड़ी का। ये देखिए कितना प्यारा है। और मौसम अब थोड़ा सा ठीक हो गया है, लू हल्की कम हो गई है क्योंकि पेड़ हैं ज़्यादा यहाँ पर, तो इस वजह से गर्मी का उतना असर नहीं हो रहा है। ये देखिए अकेले जेब्रा खड़ा हुआ है। इधर से हम लोग आए हैं और अब ये देखिए इस तरफ चलते हैं। इधर मछली घर, तितली पार, बारा सिंगा, काला सांप घर, नील गाय, तो चलिए देखते हैं। मौसम थोड़ा अब ठीक हो गया है, क्योंकि जब हम निकले थे तो घर से सब
एक बज रहा था, एक क्या 12:30 बजे निकले थे, तो धूप बहुत तेज़ थी, लेकिन अब करीब 2:30 बज गया है तो धूप थोड़ी सी कम भी हो रही और थोड़ा सा बादल भी हो रहे हैं, तो मौसम ठीक है। अब हम लोग बब्बर शेर के इलाके में चल रहे हैं, चलिए आपको बब्बर शेर दिखाते हैं। वो देखिए बब्बर शेर वो बैठा है, वो देखिए। और इस साइड में एमू शुतुरमुर्ग है, एमू है, एमू अलग होता है, शुतुरमुर्ग अलग होता है शायद, बट पता नहीं क्या, शुतुरमुर्ग ही जैसा है, ऑस्ट्रिच जैसा। ये देखिए वो खड़ा हुआ, ये चिड़ियाघर के अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, सांपों का यहाँ पे पूरा कलेक्शन है और एंट्री जो है फ्री है। इंडियन ब्राउन कोबरा, चलिए दिखाते हैं इंडियन ब्राउन कोबरा जो है, इंडियन ब्राउन कोबरा, ये दो जोड़ा है बैठा हुआ है, स्किन छोड़ रखी है, लेकिन स्किन पेड़ पर छोड़ रखी है, चीतल। चलिए आपको चीतल को भी दिखाते हैं, ओ रहा है चीतल बाबू, ये देखो बैठे हुआ है, और इधर ये देखिए कैसे इनकी केसरी लटकी हुई है। देखिए अजगर कैसे पिंडली मारकर बैठा है, विषहीन अजगर। ओ बाबा, सबके सब साथ में लेटे सो रहे हैं। दो मुहा सांप, ये है दो मुहा सांप, धामन सांप। ये देखिए जंगल टाइप का पूरा लुक है, टिल्ला बना हुआ है और इस तरफ जाना है। हिरन का
बाड़ा बना हुआ है। यह है काला हिरन, ये हम लोग अब बारह सिंगा के पास आ गए हैं। बारह सिंगा ये देखिए कैसे विश्राम फरमाते हैं। ये है तेंदुआ, ये गेंडा है, मजे से खाना खाता हुआ हमारा आराम करते हुए। और चिड़ियाघर के अंदर ही ये बटरफ्लाई पार्क बना हुआ है, और चलिए इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं। पहले तो टिकट लेना पड़ेगा, और टिकट देखते हैं कितने का है। टिकट भैया कितने का है? 5 से 12 वर्ष का 10 है, 12 के ऊपर का 20 है। अच्छा, वेस्ट का मतलब 20 है, अल्प वेस्ट एक टिकट दे दीजिए। तो 20 रुपये का यहाँ का टिकट है, फर्स्ट टाइम में इसके अंदर एंटर होंगे, देखते हैं कैसा क्या है। 1 अक्टूबर 2021 में इसका उद्घाटन माननीय तारा सिंह चौहान जी के द्वारा कराया गया था। ये देखिए आपको पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। अच्छा, बटरफ्लाई एंटर करते ही बटरफ्लाई मिल जाएगी, और ये प्यारा सा हट बना हुआ है। कपल्स वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा है, और थोड़ा सा बहुत जंगल टाइप का बिल्कुल है। और ये देखिए अंदर, इधर से इस तरफ चलना है, इस तरफ क्या है, इस तरफ देखते हैं क्या है। यहाँ पर आप फोटो शूट के लिए बहुत बढ़िया जगह है, फ़ोटो शूट वगैरह वीडियो शूट वगैरह के लिए आप यहाँ पर अच्छा समय एक्सपेंड कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर झरना टाइप का बना हुआ है। चिड़ियाघर बहुत बार आए हैं, लेकिन यहाँ पर पहली बार आए हैं। ये बना रखा तो ये एक फवारा टाइप का बना रखा है, और कुछ ऐसा अभी तक खास नहीं दिखा है, लेकिन ये है कि यहाँ पर टाइम एक्सपेंड करने वाला, फैमिली के साथ आप यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत बढ़िया टाइम एक्सपेंड होने वाला है। अब इधर से देखिए रास्ता, इधर पीछे से हम लोग उस तरफ से हम आए हैं अभी,
और इस तरफ चलते हैं और इस तरफ गार्डन वगैरह क्या है देखते हैं चल के। ये देखिए थोड़ा सा अलग है, पीसफुल है। यहाँ पे आप फैमिली और बच्चों को लेकर आ सकते हैं, बढ़िया एंजॉय संडे पूरी पार्टी यहाँ मना सकते हैं ना। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना अच्छा लग रहा है इधर, इधर भी फ्लावर्स वगैरह हैं और इधर से रास्ता फिर घूमकर पूरा इधर पानी चल रहा है, चूँकि थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ेगा। और क्या क्या है यहाँ पर देखते हैं, ये रास्ता उधर से मिलकर आया है। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। तो ये जंगल टाइप का थोड़ा सा लुक बना रखा है और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्यारा लगा मुझे तो। यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर बस थोड़ा सा ये कि मच्छर थोड़े हैं, बाकी मौसम तो बहुत ही अच्छा है, गर्मी है लेकिन थोड़ा सा आप जानते हैं पेड़ों के बीच में गर्मी गर्मी का एहसास थोड़ा कम होता है। और इधर से ये रास्ता, बस ये है कि मुझे भी बहुत से मच्छरों ने काट लिया है तो आप यहाँ जब भी आएँ थोड़ा बहुत मच्छरों से सावधान रहें। बाकी आपको बहुत ब्यूटीफुल प्लेस ये मैं दिखा रहा हूँ अंदर, एक्चुअली में लोग आते हैं घूमने फिरने कानपुर मतलब जू के अंदर आते हैं, वैसे निकल के चले जाते हैं, सोचते हैं 20 रुपये का टिकट लेकर क्या फ़ायदा फालतू में, लेकिन 20 रुपये आपके वसूल हो जाएंगे। जो 20 रुपये का टिकट है वो 20 रुपये वसूल हो जाएगा आपका यहाँ पर। इधर से होते हुए हम लोग चल रहे हैं और यहाँ पर सबसे अच्छा फ़ोटो सेशन वगैरह किसी भी तरीके का आपको शूट करवाना है तो वो यहाँ पर शूट हो जाएगा। जो आपको दिखाना है यहाँ पे एक हट बहुत प्यारा बना रखा है तो फोटो वोटो शूट उठ के लिए भी अच्छी जगह है। आप अपना यूट्यूब का शूट, प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, मैटरनिटी शूट वगैरह कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए पूरा गार्डन, ये अंदर का लुक है। देखा फ्रेंड्स कितनी प्यारी जगह है, जंगल या वाइल्ड लाइफ से थोड़ा सा प्यार करते हैं और फॉरेस्ट एरिया से थोड़ा सा लगाव है तो आप यहाँ पर आएँ, आपको बिल्कुल वही सुकून मिलेगा, बिल्कुल फॉरेस्ट टाइप का लगेगा और फॉरेस्ट ही है पूरा ये, तो बहुत अच्छा लगने वाला है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। इधर से बाहर का एग्जिट पॉइंट रास्ता, ये वीडियो मैं इसलिए थोड़ा सा लंबा बना रहा हूँ, पूरा इसलिए दिखा रहा हूँ कि आजकल लोगों को फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ हो गया है तो सेल्फ़ी फ़ोटोशूट वगैरह के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये जगह है, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छा प्लेस है। दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसको आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इसी तरह मेरा साथ देते रहिए, आपका बहुत प्यार मिल रहा है, आगे उम्मीद करता हूँ इसी तरह आपका प्यार बना रहेगा।